हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको CCE के बारे में बताऊंगी। CCE का फुल फॉर्म कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन होता है। यूजुअली हम इसको CCE के नेम से ही जानते हैं। ये CBSE द्वारा 2009 में अप्लाई किया गया था, जब 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि 6 से लेकर 14 ईयर तक के स्टूडेंट के लिए एजुकेशन मैंडेटरी कर दी गई थी। तो उस टाइम पर इस इवेल्यूएशन की नीड थी, तो CCE को अप्लाई किया गया था। CCE होता क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? स्कूल बेस्ड लर्निंग है। ये स्टूडेंट के एक ही पहलू को नहीं, इवन ओवरऑल डेवलपमेंट को इवेल्युएट करता है। कि आप पहले देखते थे, पहले क्या होता था कि सिर्फ आपका एकेडमिक होता था, कि आपके जो टेस्ट हो गए उसमें जो मार्क्स आ गए वही आपके फाइनल हो जाते हैं। बट CCE में क्या होता है, जो आपका फर्स्ट डे होता है स्कूल में और आपका लास्ट डे होता है, तो ओवरऑल फर्स्ट टू लास्ट डे को इवेल्युएट किया जाता है। अब हम इसमें दो शब्द आते हैं, CC कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम इनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सतत। सतत सतत शब्द किसकी बात करता है? बात करता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। इसमें क्या होता है, बच्चे के टेस्ट होते हैं क्लास में, या इसकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको उसका क्लास में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, वो एग्ज़ाम में अपीयर होता है, एग्ज़ाम अच्छा करता है तो उसे रेनफोर्समेंट मिलता है, मार्क्स कम आते हैं तो उनसे वो सीखता है, अपना सेल्फ इवेल्युएशन करता है। इससे पहले लेक्चर में आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग में आपको बता चुकी हूँ, उन्हीं सबसे ये कोरिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं सतत शब्द सुधारात्मक उपायों के लिए होता है, जैसे कि पुनः परीक्षा और स्व मूल्यांकन। अब हम बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की। व्यापक शब्द क्या है? व्यापक शब्द होता है जो आपकी वृद्धि और विकास, जो भी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हुआ है, उसके शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों के बारे में होता है। इसे स्कोलास्टिक और कोस्कोलास्टिक बोलते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि स्कोलास्टिक हमारा क्या होता है, एकेडमिक होता है। एकेडमिक जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, जो भी आप वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी आपकी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन होती है, ओवरऑल एक लाइन में अगर मैं बोलूं, जो भी आपका एकेडमिक होगा, जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, समेटिव असेसमेंट होते हैं, ये सब आपके किस में आएंगे, शैक्षिक पक्ष में। अब हम बात करते हैं कोस्कोलास्टिक, सहशैक्षिक जो आपका जो एस्पेक्ट रहेगा, उसमें हम कह सकते हैं कि हम जैसे शैक्षिक में बोल रहे थे कि एकेडमिक होगा, पेन और पेपर से रिलेटेड होगा, हम फॉर्मेटिव और समेटिव से कोरिलेट कर सकते हैं, वैसे ही सहशैक्षिक में क्या होगा, उसका स्पोर्ट होगा, जो भी वो गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, म्यूजिक हो, कोई भी को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ आपकी किस में आएंगी, सहशैक्षिक में। वहाँ हम पेन पेपर की बात कर रहे थे, यहाँ हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, बच्चा दिल और दिमाग, ओवरऑल जो आपने थ्री डोमेन्स सीखे थे उन एस्पेक्टों की हम इसमें बात करते हैं। इसमें स्टूडेंट के लाइफ स्किल्स होते हैं, एटीट्यूड होता है, वैल्यूज़ होते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानते हैं। यूजुअली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है कि व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, कि कॉम्प्रिहेंसिव क्या है। CCE आपका एक फुल आता है और उसमें पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव को व्यापक, व्यापक अगर हम बात करें तो समग्र, शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों पक्षों को अगर हम जोड़ दें तो हम क्या कह सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, जो भी स्टूडेंट का होल एकेडमिक ईयर में डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो एकेडमिक हो या किसी वो गेम में हो, किसी स्पोर्ट्स में हो, किसी भी पार्ट में वो परफॉर्म करता है, तो इस टाइप से जो इवेल्यूएशन होगा वो क्या कहलाएगा, CCE।
थैंक यू, ये आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है।